हेलो स्टूडेंट दिस इज क्लास फर्स्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर सिक्स दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोयम वॉट डज द बी डू वॉट डज द बी डू बी मीन्स मधुमक्खी मधुमक्खी क्या करती है ब्रिंग्स होम हनी क्या करती है मधुमक्खी हनी को घर पे लेकर आती है हनी क्या होता है शहद को घर पे लाती है वो डज फादर डू फादर क्या करते हैं पापा क्या करते हैं ब्रिंग्स होम मनी घर पे क्या लेकर आते हैं पैसे लेकर आते हैं वो डज मदर डू माँ क्या करती है लेज आउट द मनी मनी को लेज आउट करती है खर्च करती है वॉट डज बेबी डू बच्चा क्या करता है ईट अप दनी जो हनी है शहद है उसको खाता है ओके ये एक छोटी सी पोयम है तो इसको आपको लर्न करना है ठीक है वापस मैं बोल रही हूँ उसको लर्न करना है और कैसे लर्न करोगे द टाइटल ऑफ माई पोयम इज वट डज द बी डू और फिर पोयम बोलना स्टार्ट करोगे वट डज द बी डू ब्रिंग्स होम हनी what does the father do brings home money what does the mother do lays out money what does the baby do eats up the honey thank you अब हम करेंगे इस पो, पोयम के वर्ड मीनिंग b double e bee means मधुमक्खी क्या करती है मधुमक्खी शहद बनाती है bring लाना होम घर मनी धन या पैसा ले आउट वे करना या खर्च करना हनी शहद स्टूडेंट राइट दिस वर्ड मीनिंग इन योर नोटबुक बच्चों आपको ये वर्ड मीनिंग कहाँ लिखनी है आपकी कॉपी में लिखनी है हैव अ नाइस डे गुड बाय